हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा म्यूजिक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोरिया की एक बहुत ही बेस्ट लव स्टोरी अ मोमेंट टू रिमेम्बर। इस कहानी को कोरियन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट लव स्टोरी माना जाता है। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में दो टिकट्स होते हैं और वह किसी का इंतजार कर रही होती है। इस लड़की का नाम सुजैन होता है। दरअसल वो यहाँ पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, जिसके साथ वह अपने घर से चली जाना चाहती है, लेकिन उसके ना आने पर उसे बहुत दुख होता है और उसके बाद वह वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसके बाद वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ से वह कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। और जब वह वहाँ से बाहर निकलकर रास्ते में जा रही होती है तो उसे एकदम से याद आता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक के पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वहीं पर रह गई है। तो वह वापस उसे लेने जाती है। तभी स्टोर के अंदर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। तो सुजैन को लगता है कि यह कोल्ड ड्रिंक उसी की है, इसलिए वह उस कोल्ड ड्रिंक को उस लड़के से छीनकर पीने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और वह लड़का वो सब कुछ देखता रह जाता है और उसे समझ में भी नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि सुजैन बस में चढ़ती है और टिकट लेने के लिए जब वह अपने बैग में से अपना पर्स निकालती है तो उसे याद आता है कि उसके बैग में तो वो पर्स है ही नहीं। तो उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने अपने पर्स को उसी स्टोर में निकाला था जहाँ से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। तो अब वह वापस उसी स्टोर में जाती है और जैसे ही वो काउंटर के पास जाती है तो वहाँ पर जो आदमी होता है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक और उसको उसके पर्स को उसके सामने रख देता है। वह आदमी उससे कहता है कि शायद आप इसे यहीं पर भूल गई थी। और फिर सुजैन को समझ में आता है कि दरअसल जिस लड़के से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी वह कोल्ड ड्रिंक उसकी नहीं थी। और वह बाहर जाकर उस लड़के को ढूंढती है, लेकिन वह लड़का उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। और उसके बाद सुजैन अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं कहती है बावजूद इसके कि वह अपना घर छोड़कर जा रही थी। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन सुजैन अपने डैड के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। सुजैन के डैड एक कंस्ट्रक्शन साइट के CEO होते हैं। और जब वह अपने डैड के साथ जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा चलो मेरे साथ चलो, लेकिन सुजैन कहती है कि नहीं डैड, मैं अपनी कार में ही रहूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो मैं कार से बाहर नहीं निकलूँगी। तो उसके डैड उसे छोड़कर साइट पर ऊपर चले जाते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, और यह लड़का कोई और नहीं वही होता है जिससे रात को सुजैन ने उसकी कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। और इस लड़के का नाम चार्ल्स होता है जो कि हमारी मूवी का हीरो है। वह आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है। जब सुजैन के फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुपरवाइज़र सुजैन के फादर से कहता है कि यह लड़का हमें यहाँ पर कंक्रीट नहीं डालने दे रहा है। सुपरवाइज़र कहता है कि यह लड़का हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पर आज नहीं कल कंक्रीट डालना चाहिए, जबकि सारा मटेरियल तो तैयार है। और सुपरवाइज़र कहता है कि अगर हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन चार्ल्स उन्हें बताता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर कॉन्क्रीट डाला जा सके। वह कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो यह टूट सकता है और इससे कई लोगों की जान जा सकती है। और उसके बाद सुजैन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो चार्ल्स बहुत रूडली होकर कहता है कि मैं 30 बार पहले भी तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ, और यह कहकर वो वहाँ से नीचे चला जाता है। और जब वह नीचे आता है तो सुजैन कार में बैठी हुई होती है और सुजैन उसे देखती है और उसे एकदम से याद आता है कि यह तो वही लड़का है जिससे रात में उसने गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। सुजैन उसके पास नहीं जाती है। तभी सुजैन के फादर उसके पास आ जाते हैं और उसके बाद वो गाड़ी से वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन एक फैशन डिजाइनर होती है और जहाँ पर वह जॉब कर रही होती है वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा होता है, लेकिन उनके रेनोवेशन का काम बहुत लेट हो चुका होता है। तो जो आदमी सुजैन के साथ काम कर रहा होता है वह कहता है कि मैं फंस चुका हूँ। तो सुजैन कहती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो सुजैन अपने फादर को कॉल करती है तो सुजैन के फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ, लेकिन तुम उससे ज़्यादा बात मत करना, वो बहुत रूडली है और वो बहुत बदतमीज़ है। और वो कहते हैं कि अपने साथ वाले लोगों को ही उससे डील करने देना। सुजैन कहती है ठीक है। और तभी कुछ देर बाद चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है। दरअसल जिस आदमी को सुजैन के फादर ने भेजा होता है वह चार्ल्स ही होता है। और जब चार्ल्स सुजैन को देखता है तो वह सुजैन को देखकर कुछ भी नहीं कहता है और अपने काम पर लग जाता है।
और फिर दिखाया जाता है कि सुजैन वहाँ से चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक की मशीन में सिक्का डालती है। जैसे ही सुजैन उस कोल्ड ड्रिंक को उठाने वाली होती है, वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और उस कोल्ड ड्रिंक को ठीक उसी अंदाज में पीने लगता है जैसे कल रात को सुजैन ने पी थी। और उसके बाद चार्ल्स वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है तो चार्ल्स देखता है कि एक मोटरसाइकिल वाला सुजैन का बैग लेकर भाग रहा है। और जैसे ही वह चोर चार्ल्स की गाड़ी के पास से गुजरता है तो चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और उससे चोर टकरा जाता है और बहुत बुरी तरीके से गिरता है। और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे वापस कर देता है और उसके बाद वह सुजैन को लिफ्ट देता है। तो सुजैन उसे सॉरी कहती है कि कल रात को मैंने गलती से तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। लेकिन चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घर छोड़ देता है। लेकिन सुजैन अब चार्ल्स से पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो चुकी होती है और वह उससे मिलना चाहती। और अगले दिन वह अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन आज चार्ल्स नहीं आया हुआ होता है क्योंकि चार्ल्स का काम खत्म हो चुका होता है। इसीलिए सुजैन अपनी फ्रेंड्स को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और सुजैन जानबूझकर वहीं से निकलती है जहां पर चार्ल्स अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। लेकिन चार्ल्स उसे नहीं देखता क्योंकि वह अपने में बिजी होता है। तो सुजैन मजबूरी में उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सुजैन चार्ल्स से कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें देखा तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई। और फिर दिखाया जाता है कि चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक एक साथ बैठे हुए होते हैं और चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है जो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और वह सुजैन से कहता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। तो सुजैन पूछती है कि अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या होगा। चार्ल्स कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मरते दम तक हम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाएंगे। और वो कहता है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। तो सुजैन उस ड्रिंक को उठाती है और पूरा पी लेती है और उसके बाद फिर दोनों किस करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। और चार्ल्स को भी सुजैन से बहुत प्यार होता है। चार्ल्स सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाता है और ताश की ट्रिक्स भी सिखाता है। और चार्ल्स के पास जितना भी वक्त होता है वह सारा वक्त सुजैन के साथ बिताता है। चार्ल्स सुजैन से बहुत प्यार करता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। और सुजैन भी चार्ल्स के लिए कुछ ऐसा ही फील करने लगती है। और फिर सुजैन एक फैशन डिज़ाइनर है तो वह चार्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा कोट बनाती है जिसको पहनकर चार्ल्स अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। और चार्ल्स जब इंटरव्यू देकर वापस आता है तो सुजैन वहीं पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। और अब अगले दिन सुजैन अपने गार्डन में अपने डैड के साथ बैठी होती है। सुजैन कॉफ़ी पी रही होती है और अपने ही ख्यालों में मुस्करा रही होती है। सुजैन के डैड उसे पूछते हैं कि बताओ बेटा कौन है वो। सुजैन मना कर देती है, लेकिन जब उसके डैड उसे दोबारा पूछते हैं तो वह बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सुजैन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि सुजैन के डैड कंपनी के CEO हैं और चार्ल्स सिर्फ वहाँ पर एक वर्कर हैं। चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक सड़क का भिखारी, तो हम दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता है। और फिर चार्ल्स सुजैन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सुजैन उससे मना कर देता है। और फिर दिखाया जाता है कि एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं तो तभी वहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है और सुजैन अपने डैड को देख कर हैरान हो जाती है। वो कहती है, डैड आप यहाँ पर कैसे। तो सुजैन के डैड कहते हैं कि बेटा तुम हैरान क्यों हो, तुम ही ने तो हमें इनवाइट किया है। क्योंकि सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए ही अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला लिया था। सुजैन चार्ल्स से शादी करना चाहती है और वह चाहती है कि उसकी फैमिली चार्ल्स से मिले। सुजैन के फादर चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़का है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सब चुप बैठे हुए होते हैं, दोनों में कोई भी बात नहीं होती है। सुजैन को ये सब देखकर अनइजी लगता है तो वह वहाँ से उठकर चली जाती है। और उसके बाद सुजैन के डैड चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। चार्ल्स कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर सुजैन के डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा कोई घर है। तो चार्ल्स मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास मेरा कोई घर नहीं है। चार्ल्स को पता होता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो चार्ल्स कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जैसे ही चार्ल्स वहाँ से जाने लगता है तो सुजैन की मोम उसे रोक लेती है।
और वो चार्ल्स से कहती है कि पहले सुजैन को आने दो, तो चार्ल्स वहीं पर बैठ जाता है। तो सुजैन के डैड चार्ल्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं होती है। चार्ल्स सुजैन के डैड से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं आगे से सुजैन से कभी नहीं मिलूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुजैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, सुजैन को पता ही नहीं चलता और वह वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। और अगले ही पल यह दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। दरअसल सुजैन बेहोश हो चुकी होती है और फिर दिखाया जाता है कि सब लोगों को उस तरफ जाते हुए देख सुजैन की बहन भी उधर जाती है। अगले ही पल सुजैन की बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो चार्ल्स भागता हुआ उस तरफ जाता है और वो देखता है कि सुजैन बेहोश है। चार्ल्स सुजैन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, तो डॉक्टर चार्ल्स से कहता है कि ज़्यादा स्ट्रेस के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए यह बेहोश हो गई हैं, रात को ठीक से सोने के बाद यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर दिखाया जाता है कि जब सुजैन को होश आता है तो वह देखती है कि उसके सामने चार्ल्स है, तो वह चार्ल्स को गले लगा लेती है। और दूसरी तरफ सुजैन के डैड यह सब कुछ देख रहे होते हैं और वह समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों की शादी होती है और चार्ल्स और सुजैन बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट बन जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि सुजैन कभी कभी घर पर कुछ चीज़ों को गैस पर रखकर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स कभी भी इस बात को माइंड नहीं करता है क्योंकि चार्ल्स सुजैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुजैन के डैड एक आदमी के साथ आते हैं और वह चार्ल्स से मिलना चाहता था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वह आदमी चार्ल्स को एक जगह तक लेकर जाता है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। चार्ल्स से कहता है कि तुम इसका मॉडल तैयार करोगे, तो चार्ल्स उस जगह के लिए उस घर को बनाने का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत सुंदर घर होता है। लेकिन अब चार्ल्स को उसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तभी चार्ल्स को वह कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। तो प्रेजेंटेशन से पहले सुजैन उससे कुछ सवाल पूछती है, तो सुजैन चार्ल्स से कहती है कि तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो चार्ल्स कहता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन अपनी वाइफ से मिली है। और फिर उसके बाद जब चार्ल्स प्रेजेंटेशन देता है तो उसकी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है और वो घर भी सबको बहुत पसंद आता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को ही मिल जाता है। और जब सुजैन ये सुनती है तो वह बहुत खुश होती है। दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो फिर दिखाया जाता है कि एक दिन सुजैन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछती है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? तो यह ऐसा सुनकर उसकी सारी दोस्त हंसने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। वो कहती है कि शायद शादी के बाद तुम रात को सही से सो नहीं पाती, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन सुजैन बहुत सीरियस होती है। लेकिन आज जब सुजैन अपने घर जाती है तो वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो समझ नहीं पाती कि उसका घर कौन सा है। उसे डर लग रहा होता है कि शायद वह किसी गलत घर में ना चली जाए। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वह चार्ल्स को देखती है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सही घर के अंदर आई है। दरअसल सुजैन की याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है और ये डॉक्टर की माँ का डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर सुजैन से कहता है कि क्या हाल ही में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई हो? तो सुजैन कहती है कि हाँ, मुझे स्ट्रेस से ऐसा हुआ था। तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अगले हफ्ते दोबारा आना और मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करूँगा। तो सुजैन वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती है। चार्ल्स को जो प्रोजेक्ट मिला होता है वह उसमें बहुत बिजी होता है और वह सुजैन के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल जी रहा होता है। दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक दिन सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यह आदमी वही होता है जिसने चार्ल्स को बचपन से पाला था और उसे कारपेंटर का काम भी सिखाया था। और बातों ही बातों में वह बूढ़ा आदमी सुजैन को यह बता देता है कि चार्ल्स की मोम अभी भी जिंदा है, लेकिन चार्ल्स उनसे नाराज़ है और उनसे मिलने नहीं जाता है। तो घर आने के बाद सुजैन चार्ल्स से कहती है कि तुमने मुझे अपनी मोम के बारे में कभी नहीं बताया। तो इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था उस बूढ़े आदमी के पास जिन्होंने मुझे कारपेंटर का काम सिखाया। और फिर वो कहता है कि उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा और आज वह मेरे पास वापस आना चाहती है क्योंकि आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मेरे पास पैसे है, इसलिए उन्हें मेरे पास आना है। चार्ल्स कहता है कि मैं अपनी मॉम को कभी माफ़ नहीं कर सकता।
लेकिन सुजैन चार्ल्स से कहती है कि हमें लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। तो इसके बाद चार्ल्स को भी सुजैन की बात समझ में आती है और वह अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम जेल में होती है और उसकी मॉम के चेहरे पर काफ़ी चोटों के निशान दिखाई जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम को किसी के पैसे देने थे जिसकी वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से कहती है कि जिस वक्त तुम पैदा हुए उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल की थी, तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से अब बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि एक दिन वह चार्ल्स से मदद मांगने आई होती है, लेकिन चार्ल्स भी उनसे नाराज़ होता है क्योंकि चार्ल्स को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब चार्ल्स भी उनकी मदद करना चाहता है। इसीलिए चार्ल्स उस आदमी के सारे पैसे लौटा देता है जिस आदमी से उसकी मॉम ने पैसे लिए होते हैं। और जब यह बात सुजैन को पता चलती है तो सुजैन बहुत खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है, लेकिन सुजैन एक भी सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाती। तो डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके उसे घर वापस भेज देता है। फिर दिखाया जाता है कि जब अगले दिन सुजैन ऑफिस जाती है तो वह देखती है कि उसका वह पुराना एम्प्लॉय यानी जिसके साथ उसका अफेयर था, जिसके साथ वह घर छोड़कर जाना चाहती है, वह वापस आ जाता है। असल वह आदमी शादीशुदा होता है और अब वह सुजैन को बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। वह सुजैन को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करता है कि उस दिन वह रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं आ पाया था, लेकिन सुजैन उसकी बात नहीं सुनना चाहती और वो कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और वह ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुजैन की लाइफ में अब चार्ल्स ही सब कुछ होता है, वह उसे बहुत प्यार करती है। सुजैन घर वापस आ जाती है। दिखाया जाता है कि वो चार्ल्स के पास बैठकर एक फ़ोटो पर ग्लू लगा रही होती है कि वो उस फोटो को एल्बम में लगाना चाहती है। तभी वो वहाँ से उठती है और फ्रिज खोलती है, लेकिन वो फ्रिज से कुछ भी नहीं निकालती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रही है लेकिन वह उसे मिल नहीं रहा है और उसे याद भी नहीं है कि वो क्या ढूंढ रही है। फिर उसके बाद वह वहीं पर वापस आकर बैठ जाती है और वह चार्ल्स से पूछती है कि चार्ल्स तुम कहाँ पर थे, तो चार्ल्स कहता है कि मैं तो यहीं पर बैठा था। और फिर सुजैन भी वहीं पर बैठ जाती है और फिर वह देखती है कि फ़ोटो पर ग्लू लगा हुआ होता है, तो वह चार्ल्स से कहती है वाह तुमने इस पर ग्लू लगा दिया। चार्ल्स कहता है नहीं अभी तुमने ग्लू तो खुद ही लगाया है। चार्ल्स उससे ये भी पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा, कि चार्ल्स को पता होता है कि आज वो डॉक्टर से मिलने गई थी। तो सुजैन चार्ल्स को बताती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते आने के लिए कहा है। और फिर दिखाया जाता है कि अगले हफ्ते जब वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। तो सुजैन को एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहती है कि इस बीमारी में क्या होता है। तो डॉक्टर सुजैन को बताता है कि शरीर की मौत से पहले तुम्हारा दिमाग मर जाता है। डॉक्टर सुजैन से कहता है कि अगर तुम जॉब करती हो तो जल्द से जल्द अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे सकोगी। डॉक्टर सुजैन से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि तुम अपने आप को भी भूल जाओगी। तो सुजैन डॉक्टर से कहती है कि अभी मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर सुजैन से कहता है कि दवाइयों से हम इस बीमारी की रफ्तार को कम कर सकते हैं लेकिन इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इस बात से सुजैन पूरी तरीके से टूट जाती है। वह घर वापस आ जाती है लेकिन वह अपनी इस बीमारी के बारे में चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती और वह चार्ल्स से कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो चार्ल्स उससे कहता है कि अचानक से तुम अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो। तो सुजैन कहती है कि मैं घर पर रहना चाहती हूँ। तो इस बात से चार्ल्स खुश हो जाता है क्योंकि चार्ल्स भी नहीं चाहता कि सुजैन जॉब करे। सुजैन जॉब छोड़ देती है और धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन जब चार्ल्स अपने कुलीग्स के साथ बैठकर अपना लंच कर रहा होता है तो जब वह अपना लंच खोलता है तो पहले टिफ़िन में राइस होते हैं और उसके बाद जब वह अपना दूसरा टिफ़िन खोलता है तो उसमें भी राइस होता है। तो यह सब देखकर उसके कलीग्स हंसने लगते हैं। तो चार्ल्स सोचता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन सुजैन को पता ही नहीं होता कि उसने पहले टिफ़िन में राइस रखे हैं, इसलिए वह दूसरे टिफ़िन में भी राइस ही रख देती है। लेकिन चार्ल्स को अब कुछ उस पर शक होना शुरू हो जाता है और वह डॉक्टर के पास जाता है।
तो वह डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को अल्जाइमर है और डॉक्टर उसे बताता है कि वह बहुत जल्द तुम्हें, अपने परिवार को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूलने वाली है। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती, शायद तुमने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा स्टाफ आता है और वह चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्जाइमर के मरीजों का ही इलाज किया है। और डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी पत्नी को है ये बहुत रेयर होता है और इसी तरह का अल्जाइमर मेरी पत्नी को भी था और जब वो मुझे पूरी तरीके से भूल गई थी तो मैं उसे उस जगह पर लेकर गया था जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, तो उसे वहाँ पर सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुजैन घर से बाहर होती है और तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन सुजैन उसे कुछ भी नहीं बता पाती, सुजैन उसे अपने घर का पता भी नहीं बता पाती है। और जब वो पुलिस वाला सुजैन को लेकर जा ही रहा होता है तो सामने से उसके ऑफिस का वही कलीग जिससे उसका अफेयर होता है वो आ जाता है, तो सुजैन उसके साथ चली जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं और वह सुजैन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसे आज से 2 साल पहले था। तो सुजैन उस आदमी से कहती है कि 2 साल पहले, 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। दरअसल सुजैन चार्ल्स के साथ बिताए हुए उन 2 सालों को भूल चुकी होती है, इसीलिए उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये दोनों अब भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। लेकिन तभी अचानक से सुजैन को याद आ जाता है कि चार्ल्स उसका हस्बैंड है और ये आदमी अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं रखता। तो सुजैन वहाँ से जल्दी से उठती है और टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चार्ल्स सुजैन के लिए बहुत परेशान होता है और जब वह उसके पास कॉल करता है तो उसकी कॉल कोई और रिसीव करता है। वो आदमी बताता है कि ये मोबाइल हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। फिर आगे दिखाया जाता है कि चार्ल्स घर वापस आ जाता है और वह देखता है कि सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है और वो चार्ल्स से कहती है कि आज 10 की जगह 9 ही बॉल निकली, यानी वो फिर से भूल चुकी है। वह समझ जाती है कि चार्ल्स को अब सब कुछ पता है। चार्ल्स से कहती है कि बहुत जल्द मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम्हें भी और ख़ुद को भी। सुजैन चार्ल्स से कहती है कि अब हमारे रास्ते अलग हैं, तुम्हें मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चार्ल्स उससे कहता है कि तुम बेशक सब कुछ भूल जाओ लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, मैं सब कुछ याद रखूंगा। और चार्ल्स सुजैन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, हम रोज़ एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, हम हर रोज़ डेट पर जाएंगे। लेकिन ये बात जितनी कहनी आसान है प्रैक्टिकली यह बात उतनी आसान नहीं होगी। सुजैन कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाऊंगी। तो चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुम ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और फिर दिखाया जाता है कि चार्ल्स घर में हर जगह पर नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। और फिर जब चार्ल्स ऑफिस जा रहा होता है तो सुजैन उससे कहती है कि आज तुम जल्दी घर वापस आना क्योंकि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है। और सुजैन कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है। और चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि चार्ल्स के आने से पहले ही वहाँ पर वह कुलीग आ जाता है जिससे सुजैन का पहले अफेयर होता है और सुजैन उसी को चार्ल्स समझ लेती है। सुजैन उसे अंदर लेकर आती है तो वह सुजैन से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें कहीं बाहर चलकर बात करनी चाहिए। लेकिन सुजैन को लग रहा होता है कि यही मेरा हस्बैंड है। और तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है तो सुजैन चार्ल्स को देखकर उस आदमी के पीछे छुप जाती है और वह उस आदमी से कहती है कि ये कौन है, क्योंकि वह चार्ल्स को पहचान नहीं पाती है। और फिर चार्ल्स उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब चार्ल्स उस आदमी को मार रहा होता है तो सुजैन को लगता है कि वह चार्ल्स को मार रहा है। और सुजैन का इस लड़ाई को देखकर उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वह बेहोश हो जाती है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि सुजैन को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और फिर चार्ल्स सुजैन की फैमिली को उसकी अल्जाइमर बीमारी के बारे में बता देता है। तो सुजैन के फादर चार्ल्स से कहते हैं कि तुम्हें अब सुजैन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुजैन को नहीं संभाल पाओगे, इसीलिए सुजैन अब हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि सुजैन मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता।
तभी सुजैन आ जाती है और सबको एक साथ बैठा हुआ देखकर वो पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यह कहते कहते वह टॉयलेट कर देती है क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं होता है। तो चार्ल्स उसे अंदर कमरे में लेकर जाता है और अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को अच्छी तरीके से साफ करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ल्स सुजैन को घर वापस लेकर आ जाता है और उसको उस मॉडल को दिखाता है जिसका सपना उन दोनों ने मिलकर देखा था। वह सुजैन को घर का मॉडल दिखा रहा होता है क्योंकि उसने सुजैन से वादा किया था कि वह उसके लिए एक घर बनाएगा। सुजैन उस मॉडल को देखकर बहुत खुश होती है। सुजैन दिन में कई बार चार्ल्स को आई लव यू कहती है, लेकिन अब वह उसे चार्ल्स ना बुलाकर अपने पुराने कलीग के नाम से बुलाती है जिसके साथ उसका अफेयर था, कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे खोती जा रही होती है। और इस बात से चार्ल्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वह उसे भूल चुकी है। लेकिन कभी कभी सुजैन को एहसास होता है कि उसकी जो याददाश्त जा रही है उस वजह से चार्ल्स की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही। तो सुजैन चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, भले ही मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन फिर भी तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर देना। और इस लेटर को लिखने के बाद सुजैन घर छोड़कर चली जाती है। और जब चार्ल्स को यह लेटर मिलता है तो चार्ल्स पूरी तरीके से टूट जाता है। चार्ल्स बहुत रोता है, लेकिन चार्ल्स को नहीं पता कि अब सुजैन कहाँ पर है। और साथ ही साथ सुजैन डाइवोर्स पेपर पर साइन करके अपने डैड को देकर जाती है। और जब सुजैन के डैड डिवोर्स के पेपर चार्ल्स के पास लेकर आते हैं तो वह उन पेपरों को फाड़ देता है और वह सुजैन के डैड से कहता है कि सुजैन को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन चार्ल्स अब बहुत दुखी होता है, उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता और वह किसी भी हालत में सुजैन को वापस पाना चाहता है। तो चार्ल्स पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन जब वह लेटर्स चेक कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे लेटर होते हैं, जिसमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है। और उस लेटर में लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें एक लेटर लिख रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। और साथ ही साथ उसने आसपास की जगह का डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चार्ल्स सुजैन को ढूंढना शुरू कर देता है। चार्ल्स उसे बहुत ढूंढता है और फाइनली उसे वह एक हॉस्पिटल में मिल जाती है। वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि सुजैन अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। और वो देखता है कि वहाँ पर एक फ़ोटो होती है जो सुजैन और चार्ल्स की होती है। और जब चार्ल्स बालकनी में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सुजैन बैठी होती है और सुजैन भी उसको देखती है। और जब वह चार्ल्स की तरफ उठकर आ रही होती है तो उसके हाथ से उसकी स्केच की बुक गिर जाती। तो चार्ल्स उस स्केच बुक को उठाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें सुजैन ने कई सारे स्केच बनाने की कोशिश की हुई थी। दरअसल वह चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो सुजैन चार्ल्स से कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ल्स सुजैन और नर्स एक कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं और चार्ल्स ने वही परफ्यूम लगाया होता है जो उसके डैड और अंकल लगाकर रखते हैं ताकि सुजैन को वह कुछ याद दिला सके। और सुजैन को थोड़ा बहुत याद भी आता है। वह बोलती है कि यह खुशबू तो मेरे अंकल लगाते थे और कोई और भी लगाता था, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती। चार्ल्स ब्लैक ग्लासेस पहन लेता है ताकि सुजैन उसके आंसुओं को ना देख पाए। तो चार्ल्स नर्स से कहता है कि क्या मैं सुजैन को घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। तो नर्स कहती है हाँ। तो चार्ल्स नर्स से कहता है कि तुम उसे एक जगह लेकर आ जाना जहाँ पर मैं कहूँ। और अगले ही दिन यह दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उस स्टोर पर पहुँच जाती है जहाँ पर सुजैन चार्ल्स से पहली बार मिली थी, जहाँ पर सुजैन ने चार्ल्स से कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। और जैसे ही वह स्टोर के दरवाजे पर जाती है तो चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है और जब सुजैन अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसकी सारी फैमिली होती है। और फिर वह चार्ल्स के पास जाती है और चार्ल्स से कहती है कि क्या यह स्वर्ग है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर की पत्नी को भी सब कुछ याद आ गया था। और फिर अगले ही पल यह दिखाया जाता है कि चार्ल्स और सुजैन दोनों एक गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं।
और वहाँ पर वो पहली बार उसे आई लव यू कहता है। दरअसल चार्ल्स सुजैन को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसने कभी भी सुजैन को आई लव यू नहीं बोला था। और सुजैन भी उसके गले लग जाती है, लेकिन यह नहीं पता कि सुजैन की याददाश्त कब तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी जिसे भी यही बीमारी थी उसकी याददाश्त भी सिर्फ 3 घंटे के लिए ही वापस आई थी। तो ये कह नहीं जा सकता कि सुजैन की याददाश्त उसके साथ कितने घंटों तक रहेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।